राजधानी दिल्ली में नॉर्दर्न रेलवे के स्टेशन सुपरिटेंडेंट के घर में दिन दहाड़े चोरों ने लाखों की ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ कर दिया। घर में कुत्ता होने और सीसीटीवी कैमरा लगा होने के बावजूद भी चोरों ने बेखौफ होकर दिन के उजाले में वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने घर में मौजूद लोगों को नशीला पदार्थ सुंघाकर वारदात को अंजाम दे दिया। दिन दहाड़े हुई चोरी से पीड़ित परिवार और आसपास के लोगों में काफी रोष व्याप्त है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मैं सुबह 12:30 बजे मैं बैंक गई हुई थी। बैंक से आने के बाद टाइमिंग मुझे याद नहीं मैं किस टाइम है। बैंक से जब मैं आई तो मैं यहाँ पे घुसी तो ऐसे ही पूरा फैला हुआ था घर। इस वाले रूम में एक आदमी खड़ा हुआ था, लंबा सा था, तो मैं उसको जैसे ही देखने जाती हूँ पीछे से किसी ने आके मेरे फेस पे कुछ रख दिया और आंखों के सामने अंधेरा सा हो गया। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, मेरे फेस पे वो रख रहा था, मैंने उसका हाथ पकड़ा तो मेरे उसके हाथ पे ना खून के निशान वगैरह थे। बस उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। ये सीसीटीवी कैमरा जो है अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पे लगाया, इंस्टॉल करवाया था, लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं हो पाया था ये। अच्छा, तो आपने इंस्टॉल कराया ये? नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये इंस्टॉल हुआ है, हमारा एक्टिवेट नहीं है। अभी एक्टिवेट नहीं हुआ था। और आसपास किसी की दुकान की है, किसी की बात करे तो कहीं भी कोई सीसीटीवी नहीं मिला? कुछ नहीं लगे तो हुए हैं दो, लेकिन इस साइड के जो गली की साइड के हैं वो दोनों ही खराब पड़े हुए हैं इस समय। अच्छा, दोनों ही खराब? हाँ, दोनों खराब पड़े हैं।